नमस्कार। आज हम परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी या योगी कथामृत का दूसरा भाग लेंगे। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। ये 8 बहन भाई थे, 4 बहनें और 4 भाई। बचपन का नाम इनका मुकुंदलाल था, मुकुंदलाल घोष, और ये चौथे नंबर पर थे। बचपन में माताजी इनको महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाया करती थी, जैसा कि सभी माताओं के साथ होता था पहले। इनके पिताजी भगवती बाबू थे, जो ब्रिटिश रेलवे में नौकरी करते थे, और इनके पारिवारिक गुरु थे लाहिड़ी महाशय। उनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती थी। वे अचानक प्रकट होते थे और अपनी बात कहकर अदृश्य हो सकते थे। लाहिड़ी महाशय ने एक बार कहा था कि उनकी मृत्यु के 50 साल बाद उनके जीवन के बारे में लिखा जाएगा। उनकी मृत्यु हुई 1895 में, और उसके ठीक 50 साल बाद 1945 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पूरी हुई। योगानंद जी कहते हैं कि विचार की शक्ति इतनी तीव्र है, यदि हम एकाग्र होकर कोई विचार करें तो वह मूर्त रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जब इनके पिताजी लाहौर में पोस्टेड थे, तो एक दिन एक साधु आए और उन्होंने इनके माताजी के दर्शन करने चाहे। माताजी के सामने प्रकट होकर उन्होंने कहा कि माता, आपकी आयु बहुत कम बाकी है, अगली बीमारी आपकी अंतिम बीमारी साबित होगी। मैं खास उद्देश्य लेकर यहाँ आया, मेरे पास एक ताबीज है जो मैं बेटे मुकुंद के लिए लाया, लेकिन ये आज मैं आपको नहीं दूंगा, ये कल आपके हाथ में प्रकट हो जाएगा। अगले दिन पूजा के समय इनकी माताजी के हाथ में चांदी का ताबीज प्रकट हो गया। वो काफी समय योगानंद जी के पास रहा, बाद में अप्रकट भी हो गया। मुकुंद के मन में हिमालय जाने की बार बार तलब होती थी, क्योंकि वे महान संतों से मिलना चाहते थे। इन्होंने बनारस की यात्रा की, और इस दौरान न केवल विस्मयकारी संतों के दर्शन किए, बल्कि उनके चिर प्रतीक्षित गुरु युक्तेश्वर जी गिरी से भी साक्षात्कार हो पाया। गुरु ने इन्हें आरंभिक शिक्षा दी और ये कहा कि पहले कॉलेज की एजुकेशन पूरी करो, लेकिन पढ़ने में मुकुंद की रुचि थी नहीं। और उन्होंने ये कहा कि कॉलेजिएट होना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आप पश्चिम में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां पर एक शिक्षित संत की स्वीकृति ज्यादा आसान होती है। युक्तेश्वर जी चमत्कारों को प्रकट नहीं करते थे, उनके अनुसार छोटे लोग ऐसा करते हैं। छिछले व्यक्ति की बुद्धि में विचारों की छोटी छोटी मछलियां भी हलचल पैदा कर देती हैं। एक खास बात थी युक्तेश्वर जी की कि वो गंभीर चेहरा बनाकर नहीं रखते थे, हंसते खेलते रहते थे। वो ये कहते थे कि भगवान ने हमें चेहरा इसलिए नहीं दिया कि हम उसे बदसूरत बनाकर रखें। अब मुकुंद परमात्मा का साक्षात्कार करने की जल्दबाजी में थे, इसलिए वो चाहते थे कि हिमालय चले जाएं। मुकुंद ने सुन रखा था कि वहां एक नए सोने वाले बाबा रहते हैं। बहुत सारे बाबाओं से वो मिले। मुकुंद उनके पास रास्ता भटकने के बाद पहुंचे और उस संत से मिले। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर वो सब कुछ देने में सक्षम है जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन क्योंकि
तुम अभी मानसिक स्तर पर तैयार नहीं हो, इसलिए इतनी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाओगे। जिस तरह से यदि हम एक बल्ब में बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रवाहित कर दें तो वह उड़ जाएगा, इसी प्रकार सामान्य शरीर आध्यात्मिक चेतना के प्रवाह को सहन नहीं करता है। इसलिए सभी गुरु अपने शिष्य को इसके लिए तैयार करते हैं। जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते थे तो वे कहते हैं कि मेरे विचार इस प्रकार बिखर जाते थे जैसे शिकारी के आने पर पक्षी उड़ जाते हैं। एक दिन गुरु ने उन्हें अपने पास बुलाया और छाती के ऊपरी भाग में स्पर्श किया। क्षण भर में मुकुंद ने देखा कि उनका शरीर प्रकाश से भर रहा था, आसपास की प्रत्येक चीज को वो अपने अंदर अनुभव कर रहे थे। उस अनंत विस्तार में उन्होंने असीम अंतरिक्ष को अपने अंदर अनुभव किया और पहली बार दिव्य अनुभव हुआ। कुछ देर बाद उनका शरीर चेतना में लौट आया। मुकुंद यानी कि योगानंद जी ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। योगानंद जी कहते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त योगी हैं, वो स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहन करते हैं। ईसा मसीह ने भी अपनी मर्जी से मृत्यु का वरण किया था, वरना जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाना किसी के लिए संभव नहीं था। अपने शिष्यों के कर्मफल अपने ऊपर लेकर उन्होंने उनका शिष्यों का स्तर ऊंचा उठा दिया था। इसी प्रकार सेंट फ्रांसिस खुद बीमार रहते थे लेकिन शिष्यों को ठीक कर देते थे। जुलाई 1915 में मुकुंदलाल घोष को युक्तेश्वर जी ने दीक्षा दी और इसके बाद वो योगानंद हो गए। योगानंद जी ने क्रिया योग का विशेष प्रचार प्रसार किया, यही वो चीज थी जिसके लिए वो अमेरिका गए थे। इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में परमात्मा में ध्यान लगाया जा सकता है। इसका जिक्र भगवान ने गीता में भी किया है। 1918 में योगानंद जी ने रांची में 20 एकड़ में एक स्कूल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बच्चों को अन्य विषयों के साथ साथ अध्यात्म, कृषि, बागवानी, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि की शिक्षा देना था। स्कूल में योगानंद जी ने हिरण का एक बच्चा पाल रखा था। एक दिन एक घटना हुई, योगानंद जी को किसी काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने हिरण को अच्छी तरह से खिला पिला दिया था, लेकिन उनके पीछे से बच्चों ने उसे बहुत ज्यादा दूध पिला दिया, जिससे वह लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गया। जब योगानंद जी वापस आए तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने पशु को गोद में लिया और आंख बंद करके भगवान से उसका जीवन बचाने की प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद हिरण ने आंखें खोल ली। योगानंद जी इसके बाद उसके साथ काफी देर तक खेलते रहे और देर रात को सो गए। सपने में क्या देखते हैं कि वही हिरण उनके पास आया है और कह रहा है कि आप मुझे रोक रहे हैं, कृपया ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। योगानंद जी ने स्वप्न में ही जवाब दिया कि ठीक है, और इसके बाद उनकी आंख खुल गई और वह वहां गए जहां पर बच्चे को बांध रखा था। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। योगानंद जी कहते हैं कि उस दिन से मैंने ये सबक सीखा कि हमें अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वह पशु के रूप में कोई अच्छी आत्मा होगी जो अब मुक्त होना चाहती थी।
लेकिन योगानंद जी की प्रार्थना उसमें रुकावट बन गई। वह आगे लिखते हैं कि लाहिड़ी महाशय स्वयं महावतार बाबा जी के शिष्य थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी हिमालय में घूमते रहते हैं और कई सदियों से वहीं रहते आए हैं। महावतार बाबा जी अपनी इच्छा से शिष्यों को दर्शन देते हैं। उनके माता पिता या जन्म स्थान के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। योगानंद जी ने अपनी किताब में एक चित्र छापा है इनका, जो उन्होंने जिस समय योगानंद जी ने दर्शन किया था महावतार बाबा जी का, उसी के आधार पर बनाया है। कोई चित्र उनका उपलब्ध नहीं है। वे हमेशा युवा दिखते हैं और ये कहा जाता है कि महावतार बाबा जी ने ही आदि शंकराचार्य और कबीर को भी शिक्षा दी थी। ये पढ़ने में आश्चर्यजनक लगता है कि महावतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय खुद दीक्षा देने के लिए अपनी इच्छा से एक स्वर्ण महल की रचना की, जो दीक्षा के बाद में अप्रकट हो गया। भावतार बाबा जी ने इस उदाहरण से ये बताया कि संसार भी इसी तरह से परमात्मा की इच्छा से प्रकट है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। जिस दिन वह नहीं जाएंगे, ये पृथ्वी वापस ऊर्जा में बदल जाएगी। बाबा जी ने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसलिए जीव मात्र का सम्मान किया जाना चाहिए। योगानंद जी ने अपनी किताब में उन्हीं चमत्कारों का उल्लेख किया है जिसके लिए उनके गुरु ने अनुमति दी थी। बहुत सारे रहस्य उन्होंने अपने तक ही सीमित रखे। उनके वरिष्ठ गुरुओं की ये इच्छा थी कि वे भारत का आध्यात्मिक ज्ञान पश्चिमी देशों में फैलाएं। योगानंद जी देखते थे कि कई बार एक इमारत उनको सपने में दिखाई देती थी और बाद में उन्होंने देखा कि यह वही इमारत थी जो उन्होंने खुद बनाई बाद में अमेरिका में। यानी भविष्य में होने वाली चीजें कई बार हमें झलक दे जाती हैं। एक बार इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स ने उनको अमेरिका आने का निमंत्रण दिया, लेकिन उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और न ही अमेरिका के बारे में उनको कोई भौगोलिक जानकारी थी। तो योगानंद जी ने अपने पिताजी से कहा, लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं जाना है आपको, लेकिन बाद में गुरु की प्रेरणा से वो मान गए। अगस्त 1920 में वो अमेरिका के लिए रवाना हुए और अपने गुरु के आशीर्वाद से न केवल वो धाराप्रवाह अंग्रेजी में भाषण दे पाए, बल्कि उनके व्याख्यानों में इतने लोग आने लग गए कि बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी। 15 वर्ष वहां रहने के बाद एक दिन ध्यान में उनके गुरु ने संदेश दिया कि योगानंद वापस आ जाएं, क्योंकि अब अधिक दिन तक वो इस शरीर में नहीं रहेंगे। तब तक कैलिफोर्निया में उनका केंद्र अच्छी तरह से स्थापित भी हो गया था। 9 जून 1935 को यानी 15 साल के बाद यूरोपा नाम जहाज से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की। वापसी में एक दिलचस्प घटना हुई। उनका जहाज कई देशों से होता हुआ बवेरिया पहुंचा। रास्ते में उनकी इच्छा थी एक प्रसिद्ध कैथोलिक
ईसाई संत थेरेस न्यूमैन से मिलने की। जिस प्रकार करिश्माई संतों की बात हमने पहले की है, ऐसे संत दुनिया में और जगह भी होते रहे। थेरेस का जन्म 1898 में गुड फ्राइडे के दिन हुआ। 20 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उनकी आंखें चली गई और उनके शरीर को लकवा मार गए। 1923 में उनकी दृष्टि लौट आई और सेंट थेरेस ऑफ लीसियू की प्रार्थना के कारण उनका शरीर भी ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। इसके बाद आश्चर्य यह था कि उनके शरीर पर अनेक स्थानों पर घाव उभर आए, जहां पर ईसा मसीह के शरीर में कीलें ठोकी गई थी। हर गुड फ्राइडे को इन घावों से खून बहता था, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती थी। बाद में इसे नियंत्रित करने के लिए पादरी ने परमिट जारी करना शुरू कर दिया। योगानंद जी ने ये दृश्य देखने के लिए अनुमति ली और शुक्रवार तक इंतजार किया, क्योंकि शुक्रवार के दिन ही वो घटना होती थी। उन्होंने देखा कि वास्तव में भयावह रूप से उनके शरीर से जगह जगह खून बहता रहता था, जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाया करता था। वो संत से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर आगे चल दिए। 22 अगस्त 1935 को मुंबई पहुंच गए। उनके स्वागत के लिए जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो गई। तब तक प्रसिद्ध हो गए थे योगानंद जी भारत में। सेरमपुर आश्रम पहुंचे अपने गुरु जी के पास, और क्योंकि उनकी इच्छा से ही तो वो वापस आए थे। उनके साथ कुछ दिन बिताए। अब समय आ गया था तो उनके गुरु ने उन्हें परमहंस की पदवी दी। इसके बाद ये परमहंस योगानंद हो गए। इसके बाद युक्तेश्वर जी ने यह भी कहा कि अब वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार संतों को भी देह से प्रेम हो जाता है। जिस प्रकार एक पक्षी पिंजरे में बहुत दिनों तक रहता है तो उसके बाद वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो देह प्रेम होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इसके बाद योगानंद जी जैसे ही कुंभ मेले में गए तो पीछे से उन्होंने शरीर त्याग दिया। 1936 का कुंभ मेला था, जिसमें योगानंद जी के इलाहाबाद जाने की इच्छा थी। कुंभ मेला इतना पुराना है कि इसका जिक्र महाभारत में भी आता है। अमेरिका से योगानंद जी अपनी फोर्ड कार साथ लेकर आए, कुंभ मेले के लिए रवाना हुए और वहां बहुत सारे संतों से मिले। ये कहा जाता है कि कई संत हिमालय की गुफाओं में ही रहते हैं, कुंभ मेले में वो जरूर आते हैं। नीचे 7वीं शताब्दी में जब ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया था, तो उसने अपनी किताब में संस्मरणों में कुंभ मेले का जिक्र किया। 14वीं शताब्दी के संत रैदास कबीर के गुरु भाई और मीरा के गुरु थे। एक बार गुरु के आगमन पर मीरा ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया। ब्राह्मणों ने क्या किया कि रैदास के साथ बैठने से मना कर दिया, उन्हें नीची जाति का है। तो ब्राह्मण अलग पंक्ति में बैठे। लेकिन ये कहा जाता है कि जब सभी भोजन करने लगे तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक एक रैदास बैठा हुआ था। इस घटना से उनका अहंकार दूर हो गया। कुछ दिन भारत में रहने के बाद योगानंद जी को वापस अमेरिका जाना था,
और अमेरिका लौटने से पहले वो रीजेंट होटल बंबई में रुके और अपने कमरे में उन्होंने श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, जो बोले तो कुछ नहीं लेकिन उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने अपने कमरे में अपने गुरु युक्तेश्वर जी को अपने सामने पाए। ये दृश्य देखकर योगानंद चरण स्पर्श करना भूल गए और अपने गुरु से लिपट गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कुंभ मेले में क्यों जाने दिया? इसके बाद अचानक उन्हें याद आया कि गुरुजी की तो मृत्यु हो चुकी। तुमने पूछा कि क्या आप मेरे गुरु युक्तेश्वर ही हैं और ये शरीर असली है? तो युक्तेश्वर जी कहने लगे कि हाँ, ये शरीर असली है जो मैंने स्वेच्छा से धारण किया है, मुझे नया जीवन मिला है। लेकिन अब मैं मृत्यु के बाद पृथ्वी पर नहीं हूं। योगानंद जी बोले, मृत्युंजय गुरु, मुझे अधिक जानने की उत्सुकता हो रही है। गुरु बोले, पहले मुझे ढीला तो छोड़ दो। जिस प्रकार मनुष्यों की सहायता के लिए पृथ्वी पर भगवान महापुरुषों को भेजते हैं, इसी प्रकार मुझे एक उच्च ग्रह पर आत्माओं के उद्धार के लिए भेजा गया है, युक्तेश्वर जी कहने लगे। वो उस लोक की बात बता रहे हैं जिस लोक में वो गए हैं, जिसे हिरण्यलोक कहा जाता है। यहां के निवासी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत विकसित हैं, जो अपने पिछले जन्मों में ध्यान समाधि जैसी क्रियाओं की सहायता से ऐसे उच्च स्थान पर पहुंचे हैं। यहां पर वह बचे खुचे कर्म बंधनों से भी मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता। पृथ्वी के लोग जो काम अपनी इंद्रियों से लेते हैं, वह इस ग्रह के निवासी अपने चेतना से ही कर लेते हैं। इस प्रकार के कई ग्रह हैं। इन ग्रहों के निवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश से भी तेज गति से जा सकते हैं। उस नए लोक के बारे में बता रहे हैं युक्तेश्वर जी। ये स्थान अत्यंत सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध, अंतहीन और व्यवस्थित है। यहां पर कीड़े मकोड़े, सांप, खरपतवार जैसी चीजें नहीं पाई जाती। यहां मौसम सदैव सुहाना और एक जैसा रहता है। कभी कभी चमकीली सफेद बर्फ गिरती है। हिरण्यलोक नाम था इसका। हिरण्यलोक में गतिशील परियां, अप्सराएं और सुंदर जीव अलग अलग स्तरों पर रहते हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार पृथ्वी के जीव जमीन पर, जल में और आकाश में पाए जाते हैं, यहां पर विभिन्न जीवों के बीच संघर्ष भी होते हैं, लेकिन उनमें खून खराबा न होकर केवल ऊर्जा शक्ति का आदान प्रदान होता है। इस लोक के निवासी स्वेच्छा से परमात्मा द्वारा निर्धारित स्वरूपों में से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पृथ्वी की तरह यहां पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वह इच्छा शक्ति से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली जा सकती हैं। युक्तेश्वर जी बोले कि यहां के पेड़ इच्छा मात्र से कोई भी फल या फूल उत्पन्न कर सकते हैं। हिरण्यलोक के निवासियों में स्वाभाविक प्रेम, प्रसन्नता और समानता पाई जाती है। इस लोक में स्त्रियां बच्चे पैदा नहीं करती, बल्कि इच्छा मात्र से किसी भी स्वरूप की
रचना की जाती है। अन्य ग्रहों से यहां प्रस्थान करने वाली आत्माएं केवल निमंत्रण से ही आ सकती हैं। आमतौर पर हिरण्यलोक के निवासियों के शरीर पिछले जन्म के शरीर जैसे ही होते हैं, लेकिन युक्तेश्वर जी बोले, जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं भी उसी शरीर को लेकर आया हूं, लेकिन उस लोक के लोग वृद्ध या बीमार नहीं होते। शरीर चाहे वृद्ध का धारण कर लें, युक्तेश्वर जी बोले कि यहां की वस्तुओं को अनुभव करने के लिए एक छठी इंद्रिय जिसको इंट्यूशन कहते हैं, अंतःप्रेरणा होती है, ये सभी इंद्रियों का कार्य कर लेती है। जैसे यानी प्रत्येक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य भी कर लेती है। जैसे कान है वो देखने का काम कर सकती है, आंखें स्वाद लेने का कार्य कर सकती हैं, तीन आंखें होती हैं हिरण्यलोक में, दो के स्थान पर, और तीसरी आंख माथे के बीच में यहां स्थित होती है जो कि लगातार खुली रहती है। शरीर में चोट लगने या घाव होने पर उसे इच्छा मात्र से ठीक किया जा सकता है। योगानंद जी बोले, गुरुदेव क्या वहां के लोग बहुत सुंदर होते हैं? तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि यहां पर हिरण्यलोक में सुंदरता के मायने आध्यात्मिक होते हैं। शारीरिक सुंदरता तो स्वेच्छा से बदली जा सकती है, इसलिए कोई भी सुंदर हो जाता है, इसलिए उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है वहां पर। हिरण्यलोक के लोग भी उत्सव मनाते हैं और ऐसे अवसरों पर विशेष शरीर धारण करते हैं, जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं त्योहार के ऊपर। और उत्सव तब होता है जब कुछ निवासी आध्यात्मिक रूप से अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अवसरों पर परमात्मा के विशेष दूत भी इस लोक में आते हैं और अन्य जन्मों के मित्र भी यहां मिलते हैं जो एक दूसरे को आसानी से पहचान जाते हैं। हिरण्यलोक के लोग पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के लोगों को उच्च लोक में झांकने की शक्ति नहीं होती। ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी स्वप्न या समाधि में लोग थोड़ी देर के लिए इन ग्रहों के दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या देखा था सपने। युक्तेश्वर जी बोले कि यहां के लोग संवाद के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण कभी किसी को गलतफहमी नहीं होती है। देखिए बड़ी दिलचस्प बातें पता चलती है, तो गलतफहमी नहीं होती क्योंकि जो जो आदमी कहना चाहता है वही दूसरा समझ जाता है। तो योगानंद जी बोले, क्या वहां के लोग खाते पीते भी हैं? तो युक्तेश्वर जी बोले कि हां जरूर खाते हैं, लेकिन इस ग्रह के फल और सब्जियां ऊर्जा के रूप में होते हैं जिन्हें लोग स्वेच्छा से प्रकट कर लेते हैं, और फिर प्यास कैसे बुझाते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्यास बुझाने के लिए प्रकाश के झरने होते हैं, और हिरण्यलोक में सभी तरह के रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के उद्यान भी हैं। पृथ्वी से यहां आने वाले लोगों को अलग अलग जन्मों के अनेक माता पिता, पत्नियां, पति, पुत्र और मित्र एक साथ मिल जाते हैं।
इसलिए किसी को विशेष प्रेम करना संभव नहीं है, क्योंकि कई जन्मों के अलग अलग पिता ही मिल जाएंगे, भाई ही मिल जाएंगे, कई पत्नियां ही मिल जाएंगे, कई पति मिल जाएंगे। जिस प्रकार है पृथ्वी के मनुष्यों की आयु 60 से 100 वर्ष के बीच होती है, अरण्य लोक के निवासियों की आयु 500 से 1000 साल के बीच होती है। यहां के लोगों में बीमारी या वृद्धावस्था नहीं होती, हां मृत्यु जरूर होती है, पर वो कष्टदायक नहीं होती। मृत्यु के फलस्वरूप शरीर का विघटन हो जाता है और अणु परमाणुओं के रूप में टूटकर ऊर्जा में बदल जाता है। आत्मा स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती है, युक्तेश्वर जी बोले, इसके लिए यह कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तीन शरीरों के बर्तन में बंद रहती है, जिस पर इच्छाओं और अज्ञान के ढक्कन लगे रहते हैं। जब मृत्यु इस बर्तन को नष्ट कर देती है तो आत्मा मुक्त होकर सर्वव्यापी अनंत से मिल जाते हैं। आत्मा को अनुभव करने का विकल्प है गहन ध्यान और साधना। योगानंद जी कहने लगे कि गुरुदेव, आप तो बिल्कुल उसी रूप में हैं जिसे मैंने कुछ दिन पहले दफनाया था। तो युक्तेश्वर जी बोले कि हां, लेकिन अब मैं स्वेच्छा से कोई भी शरीर धारण कर सकता हूं और एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच किसी भी गति से पहुंच सकता हूं, और इसी शक्ति से मैंने तुम्हें होटल के इस कमरे में ढूंढ लिया था। जिस सत्य को तुमने मुझसे जाना है वह इस संसार को बताओ। जब तुम कभी निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर मुझे याद करोगे तो मैं फिर प्रकट हो जाऊंगा। ये कह करके युक्तेश्वर जी अदृश्य हो गए। अब वो चेतना में वापस आते हैं तो उनका जो सेक्रेटरी था उसने पूछा कि भी वो अमेरिका जा रहे थे ना, तब होटल के कमरे में रुके थे क्योंकि उनकी जो कार थी उसके लिए स्पेस नहीं था जहाज के अंदर, तो उनका अगले जहाज की टिकट मिलेगी इसलिए वो होटल में रुक गए। तो उनके सचिव ने कहा कि अब आगे क्या करना है। तो योगानंद जी कहने लगे कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम जल्दी ही एक महिला संत से मिलेंगे जो 50 साल से बिना भोजन के सिर्फ हवा पर जीवित है। तो उनके सेक्रेटरी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो महिला थी गिरिबाला। उसकी एक बड़ी दिलचस्प घटना है उसके जीवन की। योगानंद जी ने सुना था कि ये बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, वहां पर थी और वहां के महाराजा ने गिरिबाला के बारे में सुन रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाखंड हो सकता है, तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है आप बिना खाने के रह सकती हो तो हमारे महल में आकर के रहो। तो कई महीनों तक गिरिबाला को एक कमरे में बंद कर दिया गया। जब कमरा खोला
वो बिल्कुल खुश थी, स्वस्थ और प्रसन्न थी, न उसने पानी पिया न उसने खाना खाया। ब्यूर एक जगह है, वहां पर वो अपने साधारण घर में रहती थी, कोई आश्रम नहीं था, थोड़ा सा दुर्गम स्थान था। वहां पर बैलगाड़ी से ही जाया जा सकता था, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता और योगानंद जी के पास टाइम कम था, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो कार से ही चलते हैं, फोर्ड कार, जैसा कि मैंने डेट्रॉइट की रानी कहते थे उसको, कि वे तो अपमान है हम बैलगाड़ी से जाएं, हमारे पास तो कार है अमेरिका से लेके आए। तो वो कच्चे रास्ते से चल दिए, कई जगह धक्का वक्का देना पड़ा, रास्ता उन्होंने जो सोचा था उससे ज्यादा खराब था, लेकिन आखिर में वो गिरिबाला के घर पहुंच गए। अब हर कोई जानना चाहता है कि कब से खाना छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या कारण था, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या ऐसी शक्ति किसी ने दी है, या कोई, क्या हर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि बंगाल में तो बड़े अकाल पड़ते थे उन दिनों, तो फिर सभी लोग ऐसा कर लें। खैर, आरंभिक शिष्टाचार के बाद योगानंद जी ने गिरिबाल से निवेदन किया कि मैं, मेरे पास समय कम है, तो मैं कुछ सीधे सवाल पूछ सकता हूँ और आपके फोटो ले सकता हूँ, ताकि दुनिया को ये पता तो चले कि भारत में एक ऐसी स्त्री रहती है जो बिना खाए जी रही है 50 साल से। तो मान गई, उसने कहा कोई बात नहीं, फोटो वोटो ले लो, क्योंकि संत से बिना पूछे तो नहीं ले सकते। तो योगानंद जी ने पूछा कि क्या आपको भूख महसूस नहीं होती। गिरिबाला बोली, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा करती थी कभी। युवानंद जी बोले, अपने बचपन के बारे में बताओ कुछ। तो वो कहने लगे, मेरा कोई खास बचपन नहीं था, लेकिन एक समस्या थी मेरे साथ, जब मैं बच्ची थी तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी, तो मेरी मां मुझे चेतावनी देती रहती थी कि तुझे दूसरे घर जाना है, अगर तू इतना खाएगी तो वे लोग क्या सोचेंगे। गिरिवाला ने बताया कि मेरी मां ठीक कहती थी, 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मेरी सास खाने को लेकर मुझे दिन रात अपमानित करती थी। एक दिन तो उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती की, तो उस दिन गिरिबाला ने, जो कि बहू थी, उसने पलट कर जवाब दे दिया, कहा कि आपको इतना बुरा लगता है ना, आज के बाद मैं कभी खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो फिर सास ने ताने दिए, कहा कि ओहो अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने कह तो दिया है, फिर भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी सहायता करो, मेरी बात झूठी नहीं हो जाए, कोई गुरु भेजो मेरे पास जो मुझे खाने के बगैर जीवित रहना सिखा दे। और ये कह के वो गंगा की तरफ नवाबगंज घाट की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उनके पारिवारिक पंडित जी मिले, वो कहने लगी कि पंडित जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं बिना भोजन के जीवित रह सकूं। पंडित जी बोले कि बेटी शाम को मंदिर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। लेकिन गिरिवाला ने कहा कि मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं घाट तक गई और गंगा में स्नान किया। जब मैं गीले बदनी वापस लौट रही थी तो मेरे स्वामी मेरे सामने प्रकट हुए और कहने लगे, एक साधु थे वो, कि बच्ची मुझे भगवान ने आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए भेजा है, आज के बाद तुम्हें भोजन की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी,
तुम केवल वायु और प्रकाश से आवश्यक ऊर्जा ग्रहण कर लोगी, जो शरीर चलाने के लिए काफी है। उस संत ने कुछ क्रियाएं और मंत्र बताए, जिनकी सहायता से मैं प्रकृति से सीधे ऊर्जा ग्रहण कर सकूं। गिरिबाला ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं हुई और थोड़े समय के बाद मैं विधवा भी हो गई। मैं दिन में घर का काम करती हूं और रात के एकांत में ध्यान किया करती हूं। खाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती और न ही मुझे निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता है। कभी बीमार भी मैं नहीं होती हूं। युगानंद जी कहने लगे, माता, अगर ऐसा है तो आप ये तरीका सार्वजनिक क्यों नहीं कर देती, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ हो सके। तो गिरिबाला कहने लगी कि मेरे गुरु ने इसके लिए वर्जित किया है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि अगर सभी लोगों ने हवा और पानी पर जीना शुरू कर दिया तो बात इतनी सी नहीं है। सब्जी फल और अनाज बेचने वाले उगाने वाले लोगों का क्या होगा? दुनिया में दुख, गरीबी और भूखमरी एक न मिटने वाला क्रम है। मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये कहकर गिरिबाला मौन हो गई और उन्होंने आंखें बंद कर दी। अंधेरा छाने लगा था और पतंगे लालटेन से टकराने लगे थे। योगानंद जी ने कहा कि माता, क्या आप मुझे वस्त्र का कोई टुकड़ा निशाने के तौर पर देंगे? वो अंदर गई और एक पुरानी साड़ी योगानंद जी के हाथ में देकर उनके चरण स्पर्श करने लगी। तो योगानंद जी बोले कि माता, स्पर्श तो मुझे आपके करने चाहिए। ये उनकी मुलाकात थी। इसके बाद योगानंद जी अमेरिका वापस चले गए और इसके बाद लगभग 1950-52 तक, यानी कुल 30 वर्ष तक अमेरिका में कार्य किए, अनेक केंद्रों की स्थापना की और हजारों लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में उन्होंने समाधि ली। लॉस एंजेलिस मोर्चरी के डायरेक्टर हैरी टी रो ने एक पत्र लिखा उनके प्रतिष्ठान को। उन्होंने लिखा, जो मैं अक्षरशः आपको बता रहा हूं, कि श्री परमहंस योगानंद जी के शरीर पर मृत्यु के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का कोई निशान हमें नहीं मिला। हमारे अनुभव में ये एक अभूतपूर्व उदाहरण है। उनकी मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनकी त्वचा का रंग नहीं बदला, न ही शुष्क हुई और न ही उनके शरीर में कोई दुर्गंध पैदा हुई। 7 मार्च 1952 से 27 मार्च के बीच 20 दिन तक उनका शरीर वैसा ही तरोताजा बना रहा। हमारे अनुभव में श्री परमहंस योगानंद का उदाहरण अद्वितीय है। मुझे लगता है श्री योगानंद जी ये कहानियां सुनाने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए थे।
इसमें उनके गुरुओं की मर्जी भी थी कि आज तक किसी ने इस प्रकार के विवरण लिखकर दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किए थे। विशेषकर अंग्रेजी में ये किताब दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में लगभग अनुदित हो चुकी है और आज भी उसी रफ्तार से बिक रही है, लोकप्रिय है। कहते हैं कि जब स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई थी तो उनके पास ये किताब मिली थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि जो कॉलेज में एडमिशन के बाद पहली 10 किताबें उन्होंने पढ़ी उनमें से एक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। और स्टीव जॉब्स को इतना इंटरेस्ट हो गया कि उनका मन था कि मैं हिमालय में जाके आऊं, और वो आए भी, लंगर में खाना भी खाया, कई संतों से मिले भी। अब आपको ये लगता होगा कि स्वामी विवेकानंद भी तो अमेरिका गए थे, तो इन दोनों ने क्या कार्य किया। देखिए, विवेकानंद जी एक कुछ कम समय के लिए गए थे और ये 1893 का साल था जब योगानंद जी का जन्म हुआ। उस साल विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और बाद में योगानंद जी गए, उन्होंने लंबे समय तक काम किया और उनका मुख्य कार्य पश्चिम में ही है। भारत में बहुत कम उन्होंने कार्य किया, पश्चिम में उपदेश भी दिए, गीता का अनुवाद भी किया, उन्होंने व्याख्या करी है उसकी इंग्लिश में, और अनेक केंद्रों की स्थापना करी जो आज भी चल रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी कोई साधारण किताब नहीं है, लेकिन कोई भी इसका खंडन नहीं कर पाया है आज तक, क्योंकि उन्होंने अपने किताब में बाइबल से भी उल्लेख किए हैं और बाइबल भी उन्हें उतनी ही याद थी जितने की गीता। और उस समय जो पेपर पब्लिश होते थे साइंटिफिक जर्नल्स में, उसका भी योगानंद जी को ज्ञान था, इसलिए ये किताब अधिक स्वीकार्य और सटीक है। थोड़ा समय जरूर लगता है क्योंकि अध्यात्म का विषय है, लेकिन आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस किताब में मिल जाते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।